गंगापुर में स्थित 363 बैरिया विधानसभा में खड़ा हूँ। यहाँ पे 35% तक की वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पे मतदाताओं का कतार देखने को बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी कतारें दिख रही हैं मतदाताओं की। मैं बूथ का जायजा लेने के लिए आया हूँ और यहाँ पे तमाम वोटरों की तादाद लंबी तादाद लगी हुई है और इनसे मैं चाहूँगा कि क्या यहाँ पे जायजा लेते हुए यहाँ पे देखता हूँ तमाम बूथों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पे तमाम अधिकारी भी आला अधिकारी भी मौजूद है। तमाम बूथों की लंबी कतारें देखते हुए हमको ये अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे बूथ अधिक से अधिक संख्या में जाने की अपेक्षा है और यहाँ पे आम जनता से भी हम बात करेंगे जो मतदान दे के आ रहे हैं। ऋचा साहब के नाम क्या पड़ी? भीषण पासवान जी। भीषण जी किस विधानसभा से आते हैं? 363 से। यहाँ पे विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट किए हैं इस विधानसभा चुनाव में? विधानसभा से हूँ, 363 विधानसभा में खड़ा हूँ। यहाँ पे मतदाताओं की कतार लंबी लाइन लगी हुई है। मैं हमारे साथ तमाम मतदाता जुड़े हैं, इनसे क्या बात करना चाहता हूँ जी? आपका नाम बताएं। हमारा नाम राम जी यादव। जी यादव जी, आप वोट दे के आ रहे हैं, आप किसको वोट दिए थे इस विधानसभा चुनाव में? वोट हम लोग साइकिल का चुनाव चिन्ह पर वोट लगाए हैं, अखिलेश यादव के बहुमत से, पूरी बहुमत से जिताने का। जी अखिलेश यादव बहुमत से जीतेंगे जी। और हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपका नाम? धनंजय यादव। जी धनंजय जी, आप वोट दे के आ रहे हैं, क्या किसको वोट दिया है इस विधानसभा चुनाव में? अखिलेश यादव को वोट दिया है। जी अखिलेश यादव को जिताना चाहता कि जी मेरे तमाम भाइयों ने अखिलेश यादव को ही वोट दिया है और अखिलेश को जिताना चाहते हैं। और हमारे साथ तमाम भाई जुड़े हुए हैं, रास्ता का काफी ऑटो के साथ दिख रहा है जी। आपका नाम? राम लखन यादव। जी यादव जी, किस विधानसभा से आते हैं? 363 विधानसभा से। आप यहाँ से वोट दे के जा रहे हैं, आप किसको विजयी बनाना चाहते हैं? सिर्फ अखिलेश यादव को। जी हमारे साथ संवाददाता तमाम साथियों के साथ आज खबर लेने के लिए आज तक आप तक से धन्यवाद। मेरा नाम है मायूस रिपोर्टर, बैरिया सेवा विधानसभा के ग्राम में उपस्थित हूँ। यहाँ पे 33% से ऊपर की मतदान हो चुकी है और तमाम यहाँ पे सुरक्षा भी कड़ी नज़र रखते हुए शांतिपूर्वक मतदान हो रही है और यहाँ पे 30% से ऊपर की मतदान हो चुकी है और समय 12 बज रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से माहौल चल रहे मतदाताओं के कि तमाम लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। बैरिया विधानसभा के करमानपुर गांव में इस वक्त उपस्थित हूँ। यहाँ पे मतदाताओं की तमाम बड़ी लाइन दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे कितने परसेंट तो की वोटिंग हो चुकी है इसकी जानकारी लेते हुए मैं आयुष पाल, जीरो रिपोर्टिंग आज तक। और मैं इसमें कितने परसेंट की वोटिंग की जायजा लेते हुए इस करमानपुर बूथों पर जानकारी लूँगा और तमाम भाइयों से मिलूंगा और क्या कहना है इसको देखते हुए। यहाँ पे तत्कालीन बूथों की यह संख्या रही है कि लगातार वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, लंबी कतारें दिखाई दे रही है, रास्ता चारों तरफ वोटरों की संख्या दिखाई दे रही है। और मैं इस बूथों की जायजा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ और हमारे साथी तमाम साथी जुड़ रहे हैं और मैं इस बूथों की जायजा लेते हुए कुछ आगे कुछ महिलाओं से कुछ पुरुषों से बात करूँगा। इस समय क्या वोटों की संख्या रही है इस विधानसभा से? जी चाचा, आप किस विधानसभा से आते हैं? किस विधानसभा से आते हैं, क्या नाम है आपका? श्रीराम पाल। जी श्रीराम जी, यहाँ पे ऑटो की तादाद कितनी लंबी लगी है? कोनो ढेर लाइन नहीं है, छोटा है, छोटा है। छोटी छोटी लाइनें हैं, तमाम तरह की लाइनें दिखाई दे रही हैं और हमारे साथ तमाम साथी और जुड़ रहे हैं और उनसे संपर्क करना चाहेंगे कि बूथों की जायजा क्या रही है। और तमाम अधिकारी आला अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं और मैं इनसे जानूंगा कि यहाँ पे वोटों की लाइन कितनी तादाद में वोट हो चुके हैं और कितनी परसेंट वोटों की संख्या बाकी है। और मैं 10 बज रहा है और यहाँ पे बूथों पे मौजूद हूँ और तमाम आला अधिकारी से बात करने से संपर्क करना चाहूँगा कि इस पे अभी कितना परसेंट बूथ वोट हो चुके हैं। आप विधानसभा बैरिया विधानसभा 363 बैरिया विधानसभा से आते हैं, इस पर क्या मुद्दा है, कितने परसेंट वोट वोटिंग हो चुके हैं इस विधानसभा से? वोटिंग तो अभी लोग आ रहे हैं जी, तो एक अनुमान बताइए कितने परसेंट तक की वोटिंग हो चुकी है इस 363 बैरिया सभा विधानसभा के मधुबनी गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ पे वोटों की संख्या लगातार लंबे लाइन से दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 40% से ऊपर, 50% से भी ऊपर मतदाताओं ने अपनी मत जागरूक कर दिया इस विधानसभा चुनाव में। और मैं यहाँ के आला अधिकारी भी मौजूद है, उनसे संपर्क करना चाहता हूँ अभी कितने परसेंट तक की वोटिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि समय 50% से अधिक वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पे मतदाताओं से कुछ मैं बात करना चाहता हूँ और क्या इससे अपेक्षा और यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अपना नाम बताएं।
जो सुमन जी आप इस विधानसभा से आती हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है वोटिंग के टाइम से? नहीं, यहाँ पे शांतिपूर्वक वोटिंग की जा रही है और यहाँ पे आला अधिकारी भी मौजूद है हमारे साथ।